हाँ महनाज। अरे हमारी शादी तो पक्की समझो। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ अगर तुम जबरदस्ती शादी में कुछ 5-6 लाख रुपए कैश दे दोगी तो कोई बात नहीं। हाँ ओके बाय टीसी। हाय मेरी कट्टो, यूं आंखें मूंद के मेरे सामने मत आया करो, मेरी बत्ती गुल हो जाती है। फायदा उठाता हूँ। निकिता निकिता निकिता, अरे क्या कर रही है? What the hell, Papa? What do you think you're doing? मैं तो चेक कर रहा था कि कहीं तू मेडिटेशन करते हुए उस लास्ट स्टेशन तक तो नहीं पहुंच गई। Whatever. I don't care. Yes, Namkeen. I mean Afreen. आया बड़ा। Yes, yes. Your and mine marriage fixed. अरे whose father can stop? No, no. Yes, everything all right. अरे I am the man of my talk. Yes. You don't worry. We marry. You take care. You too. Too. Yeah. Bye bye. Bye bye. You. Aha. Pappu ka chappu. Okay. Like मैं पूछ सकती हूँ कि किस खुशी में तुम like दो दो शादियां कर रहे हो? पूछ ना। चल मैं बता देता हूँ। देख मैं एक शादी करूँ या 1 लाख शादी करूँ, मैं कर रहा हूँ ना whose father what goes, किसके बाप का क्या जाता है। हाँ भाविश भाई, हाँ एक और पार्टी फंस गई। हाँ हाँ करूँगा ना शादी। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाविश भाई, उनका नंबर भेज दो मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा हाँ भाविश भाई एक बात और, मैं सिर्फ अनमैरिड लड़कियों से ही शादी करूंगा। ये बात। हाँ फालतू के रिश्ते मत भेजना मेरे लिए। अरे पापा। हाय हाय हाय। Oh baby, Nikita. Yeah, what's this now? Nikita. अरे यार ये फोन का नेटवर्क कौन से पेड़ पे चढ़ के बैठ गया? एक भी डंडा नहीं दिखाई दे रहा। नए क्लाइंट को फोन भी तो करना था। लैंडलाइन से कर लेता हूँ। जेसी बेब, आई थिंक ये जो हमने नया लैंडलाइन कनेक्शन लिया है ना, इसमें आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा लेट मी चेक विद माय इंटेलिजेंट दिमाग। यस मिस लबीना, हम दोनों नेक्स्ट वीक शादी कर लेंगे। वो भी कोर्ट मैरिज ही। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू डोंट वरी। यस थैंक यू बाय। बस इससे पहले कि तुम लोग कुछ भोको, मैं बोलो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहने की बारी अब मेरी है पूछी पू। अब मेरे होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं पूछी? नहीं नहीं दो नहीं, इस महीने तो मैं 3 शादी करने वाला हूँ, अगले महीने 5, और अगर भगवान ने चाहा तो उससे अगले महीने पूरी 10 शादियां करूंगा। क्या हम सब ये जान सकते हैं कि आप इतनी सारी शादियां लाइक क्यों कर रहे हैं? देश के लिए। ओए माँ। हैं? हाँ? मतलब? मतलब ये कि हमारे दिल्ली में कुछ विदेशी लड़कियां स्टूडेंट वीजा पे आई थी पढ़ने के लिए। अब उनकी पढ़ाई पूरी होने वाली है और वीजा एक्सपायर होने वाला है। तो? अरे कनेडन उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें अपने देश वापस जाना होगा, और उनके देश में तो कुछ है ही नहीं। तुम न्यूज नहीं देखते हो क्या? अतिथि देवो भवा, जितने भी लोग बाहर के देशों से हमारे देश में आते हैं वो सब हमारे अतिथि हैं। और ये सारी लड़कियां, इनका क्या होगा? इनके बारे में कुछ तो सोच। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? क्या मैं गलत करने जा रहा हूँ? ये देख इन बेचारी लकड़ी लड़कियों को कितने छोटे कपड़े पहने इन्होंने, कितने छोटे, क्योंकि इनके पास बड़े कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है। गरीब है ये, गरीब। हाय बेचारे। मैं इनकी भलाई के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? डोंट क्राई पूजी बू, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे।
आप तो सोशल सर्विस कर रहे हैं. What is that? आपकी ये सोशल सर्विस देख के I'm feeling so proud of you, Poochibu. बस पगली बस अब रुलाएगी क्या? Don't cry, Poochibu. रो रो के आप डिहाइड्रेट हो गए होंगे. मैं अभी आपके लिए शाही प्याज का जूस बना के लाती हूँ. I miss you, love you, don't cry. मम्मी, मम्मी, ओए आसमान खाने मर जाने नलायका, तेरी समाज सेवा के चक्कर में अगर ये कनेडियन मुर्गी हाथ से निकल गई ना तो ये कार भी छिन जाएगा. अरे माते आप इतना क्यों घबराते, हम इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से बहुत सारा माल कमाते और इस चवन्नी कनेडियन को बीच बीच में फुसलाते. एक मिनट हाँ भावेश भाई. अरे भावेश भाई जितनी पार्टीज फंसती है सबको फंसा लो. अरे सबसे शादी कर लेंगे, गर्दा मचा देंगे हम. बताए एक्सक्यूज मी प्लीज लिसन टू मी. हाय बाबा जी, इस पप्पू के खुराफाती दिमाग का कोई भरोसा नहीं. तारा वंती वर्मा पटियाले वाली, तुझे अपने लिए किसी नए कार का जुगाड़ फिट करके रखना होगा. पर कैसे, आई डोंट नो. मम्मी जी ये लो डीके ब्रो, तुम्हारे क्लासेस की फीस. ओके, और याद से आज ही के आज पे कर देना. ऑलराइट, और मन लगा के सीखना. माय गुड बॉय. आओ मम्मी जी. ओयोर बाप पैसे. ए पुत्र, तेरी बहन कौन सी ट्यूशन की बात कर रही थी? तू मुझे सब्जेक्ट बता दे. क्या पता वो सब्जेक्ट मैं तुझे घर में ही पढ़ा दूं और घर के पैसे घर में ही रह जाए. ट्यूशन? कौन सी ट्यूशन? वो वाली क्लास नहीं, वो अलग क्लास है. डांस क्लास, सालसा, यू नो. जलसा? अच्छा अच्छा, वो जो जुलूसों में लोग ऐसे ऐसे करके डांस करते हैं वो है ना. नो यू ओल्डी. बदतमीज. आई मीन गोल्डी. ये वो वाली क्लास नहीं बल्कि सालसा है, जिसमें एक लड़का और लड़की बहुत क्लोज पोजिशंस में आके डांस करते हैं. पुत्र, कलूज पोजीशन में अगर ये किसी के साथ जेंटस मतलब पार्टनर ना हो तो फिर उसका क्या? अरे वहाँ पे बहुत सारे टॉल यंग रिच गाइस आते हैं और आप उनमें से किसी को भी चूज कर सकते हो. कोई भी चूज कर सकते हैं हैंडसम और अमीर लड़कों में से. सुन पुत्र, मुझे ना तेरी ये क्लास ज्वाइन करनी है. प्लीज प्लीज प्लीज. अरे ये वैसा वाला डांस नहीं बल्कि सालसा. इट्स डिफरेंट, इट्स कूल, इट्स स्वैग. सालसा डिफरेंट कूल, ये नहीं मुझे आता. डोंट वरी, मैं आपको सिखाऊंगा. लेकिन उसकी फीस लगी 500 रुपीस ओनली. नो प्रॉब्लम, मैं दूंगी तुझे पैसे, वो भी रोकना. जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. पुत्र, तू मेरे साथ डांस करने के लिए पार्टनर कहां से लाएगा? अरे अब उसकी चिंता मत करो, बस 500 रुपीस रेडी रखना. ओके ओके, रेडी स्टडी गो. हायो तारावंती, तेरे तो रहने का जुगाड़ फिट हो गया. पहले मैं डीके से सालसा सीखूंगी, उसके बाद उस ट्यूशन क्लास में जाकर एक अमीर हैंडसम लड़के को पटाकर उससे शादी करूंगी. हाय मेरी तो लाइफ सेट हो गई. जैसी बेब, लाइक नेट पे क्या सर्फिंग कर रही हो? अपने पुत्र बहू के लिए बीबियां. लाइक व्हाट? यस निकी, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने पुत्र बहू की हेल्प करूंगी उनकी इस शादी वाली सोशल सर्विस में, उनके लिए लड़कियां ढूंढ के. यिप्पी, लाइक ये तुम्हें हो क्या क्या जस्टी बेब? I'm sorry. मेरा मतलब था कि पप्पू जी की मदद करने के बजाय तुम लाइक ये सोशल सर्विस लाइक खुद क्यों नहीं करती? लाइक डू इट ऑन योर ओन. व्हाट? निकी, मैं एक गर्ल हूँ कि दूसरी गर्ल से शादी कैसे कर सकती हूँ? और वैसे भी मेरे जस्सी भाई अभी आउट ऑफ टाउन गए हैं, पर मैं उनकी शादी करवा देती. अरे बाबा माना कि तुम लड़कियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं कर सकती. ओके गिवन, लेकिन लड़कों के साथ तो कर ही सकती हो ना?
लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने सारे फॉरेनर्स आते हैं स्टूडेंट वीजा पर, तो तुम उनके साथ लाइक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी दिला सकती हो। वाओ निकी, यू आर सो इंटेलिजेंट जस्ट लाइक मी। यप्पी। थैंक यू थैंक यू। अब मैं अपने पुती पू की तरह अतिथि देवो भव करूंगी। इतना लाउड म्यूजिक, घर पे पार्टी चल रही है क्या? बहादुर बहादुर ओ बहादुर, कौन सुअर का बच्चा हमारा गाना बंद किया? क्या बोला? हम बोला कि कौन शेर का बच्चा हमारा गाना बंद किया? That's cool. But ये सब क्या कर रहे थे? प्रेस्टिक डांस, प्रेस्टिक। हम जहाँ पर डांडिया खेलने आता है ना, वहाँ पर एबीसी टू का डायरेक्टर रेमो डिसूजा आने वाला है। Really? तो हम यहाँ पर डांस प्रेस्टिक करेगा, उसका सामने ऐसा नाचेगा कि वो अपना अगला फिल्म एबीसी 3 में हमको हीरो बना देगा। तो तुम हीरो बनना चाहते हो? हाँ। मिल गया सोल्डी का सालसा पार्टनर। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, पता है एबीसी 3 में सालसा डांसर्स चाहिए। ये तो हमको नहीं आता है। पता है ये डांस पूरे सॉलिड आता है, स्पेशल कोरियोग्राफर से सीखा है मैंने। एनीवेज यू कैरी ऑन। अच्छा ठीक है, सुनो, तुमको ये डांस आता है तो हमको ये डांस सिखा दो ना। सिखा तो मैं दूंगा, बट इसके पैसे भी लूंगा। ₹500 ओनली। 500? सिर्फ 500? ये 500 रुपया तुम्हारे लिए हम अभी देता है। ये रहा तुम्हारा 10 और हम तो सिर्फ 18.5 रुपया है। अभी के लिए ये चलेगा, लेकिन जब भी प्रैक्टिस करने आओगे तो बाकी के पैसे लेके आना। हाँ। आज रात 9 बजे। ठीक है। ABCD3। हाँ बन बानो। नहीं आज मिलके ना पूरा मजा नहीं आया। मेरा कहने का मतलब है कि आज हम एक दूसरे को जान नहीं पाए ना ढंग से। हाँ तो कल फिर से मिलते हैं। हाँ वही गार्डन में। ओके बाय। तुम अबन बानो से मिलने क्यों गए थे? मैं अबन बानो से मिलने गया था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि किस तरह की लड़की है, कहीं उल्टी सीधी लड़की तो नहीं है ना। ओह फिर ठीक है। इसका मतलब बेब्स कि तुम्हें भी बारी बारी जाके सबसे मिलना होगा। यही नामों की लिस्ट, चार्ल्स गेंडा, जेसन पुअरली, हेलो पिकासो, रोमांडा केयर, चिक लाउंज बब्लाटी एंड मैम्बो किल्टू। चार्ल्स गेंडा, ये सब इंसानों के नाम है ना? और कनेडन, तू इनसे मिलने क्यों जाना चाहती है? पुजी पु, उसी रीजन की वजह से जिसकी वजह से आप गए थे शादी। अयो रब्बा, अब ये भी शादी करेगी? मतलब ये काट तो गया हाथ से। पापा जी, अब तो ये सालसा फालसा ही मेरी नैया पार लगा सकता है। ओके मम्मी जी। पर तुम क्यों करोगी शादी? उसी लिए जिसलिए आप करने जा रहे हैं सोशल सर्विस। पूजी पू, आप भूल गए अतिथि देवा भव। वैसे बेब्स, तुम सबसे पहले किससे मिलने जाओगी? आई थिंक तुम्हें इससे मिलना चाहिए, जेसन पुअरली। बेचारे के नाम में ही पुअर है बेचारा। जरा देखो इसकी तरफ, बेचारा इतना गरीब है कि इसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, इसलिए पूरी बॉडी पर टैटू करवा रखे हैं। देखो कपड़ों के पैसे बचाने के लिए। ओए खोतिया। वैसे निकी, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं सबसे पहले ना इस लड़के से मिलूंगी, मिलके देख लूं आखिर ये सही लड़का है भी या नहीं। नो 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 नो। चलो ग्रेट, मैं तुझे ड्रॉप करते हुए फिर शॉपिंग मॉल निकल जाऊंगी। ओके चलो। यू वांट टू कीप दिस? या बाय, मिस यू, लव यू, टेक केयर। चलो निकी, यप्पी। टैटू और धोती, डेडली कॉम्बिनेशन। हाँ गेंडा पिंटो,
मेरा मतलब है जेंडा पिंटो तुम कट लो। मेरा मतलब है मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुमसे नहीं मिल सकता यार। अरे यार इस कट्टो ने क्या बसड़ मचा रखी है। अगर मेरी चवन्नी कनेडन ऐसी मिलती मिलाती रही तो मेरा तो घूमना घुमाना बंद हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाय हाय हाय। क्या मैं तारावंती वर्मा पटियाले वाली सो ग्लैमरस गर्ल इस छुछुंदर के साथ डांस करूंगी? नो वे। हाँ तो हमको भी ना फिल्म में हीरो बनने के लिए नाचना है। क्या कहा? कोई जगराता में नहीं नाचना जो हम इसके साथ नाचेगा। कसमानु खनियन बदतमीज, जो रास्ता बताता ना मैं तेरा निकालती हूँ। सीखना था ना? Yes. और बहादुर तुम्हें ABCD 3 के ऑडिशन के लिए डांस सीखना है ना? तो फिर ठीक है ना? Why don't we act like professionals? Professionals की तरह हम कोऑपरेट क्यों नहीं कर सकते? एक बार बस डांस खत्म हो जाए, दोनों अपने अपने रास्ते। ओके ओके भले यार मम्मी ने। ओए बाबा जी, अपने सपनों के राजकुमार के साथ शादी करने के लिए मुझे कुछ दिन इस चमगादड़ के साथ डांस करना पड़ेगा। एक बार हम फिल्म का हीरो बन जाए फिर इस बुड्ढी को चौकीदारी का नौकरी पर लगा देगा हूँ। ओए कुछ कहा तूने? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ऑलराइट देन, तो फिर हम डांस शुरू करते हैं। ठीक है। हाँ यही सवाल मैं तुझसे पूछने वाली थी। तू इतनी जल्दी अपनी एक्स्ट्रा हिंदी क्लासेस से वापस आ गया और वो ट्यूशन फीस दी भी है या वो भी खा गया? वो फीस तो तूने सालसा क्लास में देने के लिए दी थी ना? क्या ये किसने कहा? आंटी जी वो पैसे मैंने इसके हिंदी क्लासेस के लिए दिए थे। और वैसे ये इतना लाउड म्यूजिक बजा के यहाँ क्या हो रहा था? मैं बताती हूँ। खैर जाओ। ओए रुक जा। खसमानु खानिया नलायका बदतमीजा, तू मुझे उल्लू बनाकर नाच मेरी बुलबुल खेल रहा था। तूने कम से नाजुक हसीना के इमोशन के साथ खेला। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बच्चा रहने दे। तू बड़ा हो। तू खैर जाओ। मेरी लड़की कितने से? पप्पू रात के 11 बजे हैं और तुम अब तक नहीं सोए? हाउ इज दैट? तूने जो मेरी कनेडन को उकसा के बाहर भेजा ना उसी का वेट कर रहा हूँ मैं। फोन भी नहीं लग रहा उसका यार। ओह हाउ सैड। नो ओलो आगे जैसी बेब्स, लाइक आज की तुम्हारी डेट कैसी थी? ओह नो 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 सॉरी, आज की तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? उस फिरंगी ने तुझे परेशान तो नहीं किया? नो पूछी पू। इन फैक्ट ही वाज अ रियल जेंटलमैन। आपको पता है उन्होंने मुझे बहुत पैम्पर किया। अच्छे जी। सबसे पहले मुझे ना वो बाइक राइड पर लेकर गया। अरे वाह। फिर उसके बाद चाइनीज डिनर कराया और मुझे ये बड़ा गिफ्ट भी दिया। यप्पी ये देखो। सो स्वीट। आज के बाद तो किसी फॉरेनर के साथ नहीं जाएगी। बाय पूजीबू। मैं जो फॉरेनर से मिल रहा था ना उनसे मिलने के बाद मुझे इन्फेक्शन टाइप हो गया है और मैं नहीं चाहता कि तुझे इन्फेक्शन हो जाए, इसलिए किसी फॉरेनर के साथ मत घूमना आज के बाद। और मैंने तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला काम भी छोड़ दिया है, तू भी छोड़ दे। पर जैसी बेब्स तुम तो खुद लाइक फॉरेन से ही आई हो ना, लाइक कनाडा से, तो तुम्हें लाइक ये फॉरेनर वाला इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? हां ओह यस निकी यू आर राइट। दैट्स राइट। राइट पुजीबू
निकी सही कह रही है, मैं तो फॉरेनर हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए तुम सोशल सर्विस करना छोड़ दो। आज से इस घर में सोशल सर्विस सिर्फ मैं करूंगी, यप्पी। चलो निकी, अंदर चल के डिसाइड करते हैं कि कल की सोशल सर्विस के लिए कौन से कपड़े पहने। ओके बाय, लव यू, मिस यू, टेक केयर, बाय। अभी तो सिर्फ रैशेज हुए हैं, बाद में तो मेडिकल केसेस हो जाएंगे। देख, मेरे को जो इन्फेक्शन हुआ था वो तो मैं ये दवा खा खा के ठीक कर लूंगा, पर तुझे जो उस फिरंगी ने इन्फेक्शन दिया है ना, वो पता नहीं तेरा क्या हाल करेगा। बट पुतिपु, देखिए ना, गौर से देखिए, ये तो वैसे ही रैशेज है जो मुझे पीनट्स खा के होते हैं, देखिए। अरे मेरी अनार गली, कौन खिलाएगा तुम्हें मूंगफली? कल रात का शाही खाना तो तूने ही बनाया था ना, तो तू मूंगफली क्यों डालेगी, है ना? बोल 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 बोल। इसका मतलब ये पक्का उस फिरंगी का इन्फेक्शन है। मगर बेब्स, मगर गया पानी में। अब मैं अपनी करेडन को किसी फिरंगी से नहीं मिलने दूंगा। यस पुजी बो, अब ना तो हम किसी फॉरेनर से मिलेंगे और ना ही उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे। ओके ओ बल्ले बल्ले बल्ले, आप अंदर जाकर रेस्ट कीजिए, मैं अभी निकी के साथ ना डॉक्टर के पास जा रही हूँ। ओके बाय, टेक केयर, लव यू, चलो निकी। मम्मी, मम्मी। पप्पूआ, ये कौन सी दवाई मुंह में ठूसे जा रहा है? दवा ये? अरे मम्मी जी, दवा नहीं है, ये तो राजमोला है। राजमोला? That's right. मतलब ये सारा रायता तेरा फैलाया हुआ है। बदतमीज नलायक, कसमन खाने तू कभी नहीं सुधरेगा, बिल्कुल अपने संस्कारी बाबूजी पे गया है। हाँ वो तो है। बाबूजी प्रणाम। हाँ भावेश भाई। अरे उठा लो जितने भी मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट उठाने हैं, सबकी शादियां करवा दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करूंगा, बल्कि कट देके अपने दोस्त एहसान से उनकी शादी करवाऊंगा। हाँ, शादियां एहसान करेगा और मजे हम उड़ाएंगे। पप्पू का चक्कू। हाय हाय हाय।